वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। साढ़े दसां गुरुआं ने दशम ग्रंथ रचिया है, उन्हां विच्चों अज असीं गुरु अर्जन देव जी बारे गल करांगे। गुरु अर्जन देव जी सिखां दे पंजवें गुरु सन। उन्हां नूं शहीदी सिर दे सिरताज अते शांति दे पुंज भी कहा जांदा है। उन्हां दा जन्म 1563 ईस्वी नूं गोविंदवाल विखे होया। गुरु अर्जन देव जी दे पिता दा नाम गुरु रामदास जी सी अते माता दा नाम बीबी भानी जी। तीसरे गुरु गुरु अमरदास जी आप दे नाना जी सन। जिहड़े अमरदास गुरु सन उन्हां दे नाना जी सन। ते गुरु जी बचपन तो ही गुरु साहिब बहुत ही होनहार सुभा दे मालक सन। ते आप ही विद्यता नू वेखदिया होया आप दे नाना जी ने गुरु अमरदास जी ने आप नू दोहिता बाणी दा बोहिता दा वरदान दिता। सचमुच ही आप बाणी दे जहाज सिद्ध हुए क्योंकि आप ने गुरु ग्रंथ साहिब जी दी संपादना कीती जिस विच गुरुआ भगतां दी बाणी शामिल है। आपने बहुत सारी बाणी रची जो कि गुरु ग्रंथ साहिब विच है। गुरु जी दी योग्यता नूं मुख रखदिया होया आप जी दे पिता ने आप जी नूं गुरगद्दी दा वारस समझिया ते गुरगद्दी सौंपी। आप दा वड्डा भरा पिथी चंद सोचदा सी कि गुरगद्दी उस नूं मिलेगी। जदों उस नूं गुरगद्दी नसीब ना होई तां ओह आप नाल ईरखा करन लगा। ओह कई तरह दे होए होछे हथ कंडे अपनाउन लगा ते आप जी नूं नुकसान पहुँचाउन लगा। आप जी ने कोई परवाह ना कीती ते गुरु जी फिर भी अपने वड्डे भरा दी इज्जत करदे रहे क्योंकि भरा जे भरा दा दुश्मन बन जाएगा ते फिर अपने ते बगाने च फर्क की रह जाएगा। इस करके गुरु जी ने अपने भरा की बड़ी इज्जत करते सी। वो उन्होंने किए हुए कोई नुकसान या कोई किसी भी तरह ना कोई भी मतलब कोई भी फर्क नहीं पैंदा। फिर गुरु जी के पिता जी ने उन्हों का विआह किया। गुरु जी का विआह बीबी गंगा जी नाल होया ते गुरु जी दे घर गुरु हरगोबिंद साहिब दे रूप विच होनहार पुत्र ने जन्म लिया। गुरु हरगोबिंद सिंह जी सिखां दे छेवें गुरु सदाए। फिर गुरु जी ने हरिमंदर साहिब दी उसारी कीती ते इस दिन ही आप ने साईं मियां मीर जी पासों रखवा के सब धर्मां लई सांझे होण दा सबूत दिता। हरिमंदर साहिब च चार दरवाजे चार दिशावां वल होना इस गल दा प्रमाण है कि चार दिशा हर कोई लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इत्थे आ सकदे ने। धर्म जात दा कोई फर्क नहीं होएगा, जात पात दा कोई भी फर्क नहीं। हरिमंदर साहिब गुरु जी ने जदों नींव रखी सी ना उत्थे गुरु जी ने कोई भी भेदभाव नहीं सी रखिया। गुरु जी ने कई नगर बसाए जिमें गुरु जी ने तरन तारण करतारपुर श्री हरगोबिंदपुरा बड़े ही नगर बसाए। यह महान काम गुरु जी ने किया। आपने कुहाड़ियां की देखभाल लई तरन तारण विच एक कुष्ट आश्रम खोलिया जो हुण तक चल रहा है जिथे कि कोड़ी रह सकन जिन्हां तो लोग बहुत नफरत करते हैं। जो बीमार ने कोड़ी जिन्हों कोई कोल नहीं लगन दिंदा इस करके कोड़ियां दी देखभाल लई तरन तारण विच एक कुष्ट आश्रम खोलिया है जो हुण तक चल रहा है। उत्थे रोगी रहिंदे ने जिन्हां दा घर कोई आसरा कोई छत नहीं है। गुरु जी बहुत दीन दुनिया दे मालक सर्वव्यापी सर्व कला भरपूर सब जाननहार हन गुरु अर्जन देव जी। ते गुरु जी ने शहीदी प्राप्त की। आप दे चलाए हुए धर्म काज दे प्रचार नूं जागीर पचा ना सकिया। उधर पृथ्वी चंद आप दे खिलाफ नवीं तो नवीं चालां चलदा रहा। उसने आप जी दे पुत्र नूं मरवाउण दीआं कोझियां चालां भी चलियां
चंदू जो आप दा पक्का दुश्मन बन चुका सी उसने भी आप दे विरुद्ध जहगीर दे कान भरता रहा। जहगीर उस दियां गल्लां विच आ के आप दे टैक्स वजो 2 लाख रुपये जमा करवाउण लई कहा। आप ने गुरु घर दी गोलक विच्चों जदों टैक्स जमा करवाउण तो साफ मना कर दिता तो उसने गुस्से विच आ के जहगीर ने अपने आप जी नूं तत्ती तवी ते बिठा के आप दे सिर उपर तत्ती तत्ती रेत पा के कई तरह दे तसीहे दिते। गुरु जी तत्ती तत्ती तवी उत्ते बैठे उन्हां दे सिर ते रेत पाई तां वी गुरु जी दस तो मस नहीं होए। गुरु जी दे उत्ते बहुत अत्याचार किए गए पर फिर भी गुरु जी सिख धर्म ना छड्डिया। गुरु जी बहुत ही महान शख्सियत ने जो कि इन्ने अत्याचार सहन के बावजूद भी अपना धर्म अपनी सेवा अपनी किरत करनी नहीं छड़ी परमात्मा का नाम लेना नहीं छड़िया। ते आप जी दे सिर ते जदों तत्ती तत्ती रेत पई फिर भी आप जी ने हौसला नहीं हारिया। आप जी ने बहुत तसीहे दिते गए गुरु अर्जन देव जी ने। आप ने इन्हां कष्टां नूं प्रभु का भाणा मन के खिड़े मत्थे स्वीकार किया। 1606 ईस्वी नूं गुरु अर्जन देव जी ज्योति जोत समा गए पर फिर भी गुरु जी जाते हुए यही सिक्ख्या दे के गए ने गुरु जी कि अपने धर्म पालना लई शहीदी प्राप्त करनी ना यह किसे हर एक दी वस दी गल नहीं हुंदी। अज कल तो पैसों के लिए ना लोग 5 मिनटां च जात बदल लेंदे ने। ये पैसा इन्ना हावी हो गया है लोगों के उत्ते कि जात पात मिनट च बदल लेंदे ने पर गुरु जी सिखां दे प्रचारक सिखां दे मुख गुरु सन उन्होंने जात पात नूं खत्म किया। गुरु जी ने धर्म का प्रचार किया। तत्ती तवी ते बह के भी गुरु जी ने वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह।